अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर अब्सॉर्प्शन बाय रूट्स विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी अल्फा, रूट हेयर्स। इसे याद रखें कि रूट हेयर्स बेसिकली, अगर ये हमारे पास कोई रूट मौजूद है उसके यहाँ पर हमारे पास लेट अस सपोज हैं एपिडर्मल सेल्स, इसकी एक्सटेंशन को कहा जा रहा होता है रूट हेयर। ये अलग से सेल्स नहीं होते होते। क्वेश्चन 2, व्हेन 4 मंथ ओल्ड राइप प्लांट्स वर एग्जामिन्ड देयर रूट हेयर्स वर फाउंड टू कंस्टिट्यूट मोर देन डैश ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी बीटा 60%। क्वेश्चन 3, पाथवेज फॉर वाटर अपटेक बाय द रूट इंक्लूड्स। इसमें राइट ऑप्शन आएगी All, it can be apoplast, it can be symplast, it can be transmembrane. Question 4, in the dash pathway, water flows between cells through the plasma desmata without crossing the plasma membrane. इसमें राइट ऑप्शन बीटा आएगी सिम्प्लास्ट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसमें प्लास्मो डेस्मेटा इन्वॉल्व होगा, दैट इज साइटोप्लाज्म कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। क्वेश्चन 5, इन द डैश पाथवे वाटर मूव्स अक्रॉस द प्लास्मा मेम्ब्रेन विद अ शॉर्ट विजिट टू द सेल वॉल स्पेस। इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी चार्ली, ट्रांस मेम्ब्रेन। और इसमें वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, डेट कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व। क्वेश्चन 6, एट द डैश द एपोप्लास्ट पाथवे इज ब्लॉक्ड बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसमें याद रखें कि इसमें सेल वॉल लास्ट में इन्वॉल्व होती है, एक्चुअली सेल वॉल टू सेल वॉल पाथवे ही होता है एपोप्लास्ट वाला। सो इसमें राइट ऑप्शन जो आ रही होगी डेट इज चार्ली, एंडोडर्मस। और इसमें स्ट्रिप्स पाई जाती है, इसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और इसमें जो लिपिड पाया जाता है डेट इज स्पेरिन। मोर मैच्योर रीजन्स ऑफ द रूट ओपन हैव एन आउटर लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एन डैश और हाइपोडर्मस डैट कंटेन्स हाइड्रोफोबिक मटीरियल इन इट्स वॉल एंड इट्स रिलेटिवली इम्परमेबल टू वाटर। इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी बीटा एक्सोडर्मस। 8, इन द सॉइल वाटर इज ट्रांसपोर्टेड प्रीडोमिनेंटली बाय। इसमें राइट ऑप्शन आएगी चार्ली, बल्क फ्लो। 9, experiments with the pressure probe technique indicate that the dash pathway is particularly important for water uptake by young corn roots. इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी अल्फा एपोप्लास्ट। क्वेश्चन 10, द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज अ बैंड ऑफ रेडियल सेल वॉल्स इन द एंडोडर्मस दैट इज इंप्रेग्नेटेड विद द वैक्स लाइक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस कॉल्ड, उसे कहा जाता है स्पेरिन। That's all for today. उम्मीद है कि पूरा आपको एक बार रिवाइज हो गया होगा। If you like the lecture, kindly hit the like button. ना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।